मैजिकल वर्ड्स बताइए मेरे को। जय श्री राम। थ्री मैजिकल वर्ड्स कौन से हैं? जय श्री राम। आगे हिंदू राष्ट्र बनेगा पूरा हिंदुस्तान। हनुमान जी वायु पुत्र है तो हवा तो हर युग में होगी, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, तो वो भी आपके साथ हर युग में रहेंगे। हनुमान जन्मोत्सव आज भगवान श्री राम के सबसे बड़े सबसे प्यारे भक्त का उनका रोल करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है मुझे। राम जी का नाम लेते रहे, हनुमान जी का नाम लेते रहे, क्योंकि आप लोग ना खुद पे और भगवान पे विश्वास रखे, आपके हर काम बनेंगे। सारा जो भक्ति में समय हो गया, बड़ा आनंद आ रहा है। जिस तरह से श्री राम का शिव महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही सभी हिंदुओं के देवी देवताओं का पर्व हमें जोश और पूरे मतलब उल्लास के साथ मनाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको भी इनका एहसास हो कि भी हमारे देवता कौन से हैं, हमारे त्यौहार कौन से हैं। क्योंकि वर्तमान में मैंने पीछे कुछ सालों में देखा है कि ये त्यौहार इतना नहीं मनाया जाता था, अब मनाने लगे लोग, अब बहुत ही बहुत ज़्यादा मनाने लगे हैं लोग। बहुत अच्छा लग रहा है हिंदुओं की ये मतलब रीति रिवाज और धर्म मनाते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से लोग काफी धर्म के प्रति काफी लोग जाग गए हैं, तो उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? वही है मोदी जी के। तो हमारे साथ अभी अंकल जी जुड़े हैं जो यहाँ पे प्रसादी वर्सादी बांट रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि कितने लोग यहाँ हैं प्रसाद लेने आए हैं। तो सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव मोदी है। ये प्रतिवर्ष लोटस डेयरी श्री अशोक मोदी और अरुण मोदी द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम हनुमान जयंती पर आयोजित किया जाता है, और ये कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से लगातार जारी है कोविड पीरियड को छोड़ करके, और आज कम से कम 6 क्विंटल आटे का दाल बाटी चावल बनाया गया है, और बड़े श्रद्धालुओं ने बड़े इच्छा से बड़ी रुचि के साथ बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया है, और ये कार्य करके हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। जो अशोक जी मोदी खुद है, उनके भाई साहब अरुण जी है, वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम किशन लाल मोदी है और मैं मोदी डेयरी से बिलोंग करता हूँ, और ये कार्यक्रम सब मोदी डेयरी की तरफ से ही हम प्रतिवर्ष करते हैं आ रहे हैं, और हम ये भगवान से ऊपर दुआ करते हैं कि हमें ऐसा मौका निरंतर मिलता रहे। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हम करीब करीब 25 साल हो रहे हैं, कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, और बाबे से ही हम ये दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन चैन रहे, ये मेरा कहना है, इसलिए हम करते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य हमारा ये है। तो पर डे यहाँ पे अभी आज भंडारा किया, कितने लोग यहाँ पे शामिल हैं? करीब करीब 11,000 आदमी का हमने लेके टारगेट किया था, वो हमारा टारगेट पूरा हो गया। सर्वप्रथम तो मैं हनुमान जन्मोत्सव पर पूरे देशवासियों को, विशेष रूप से बीकानेर के लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि वो आज इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे हैं। एक भंडारा जिसे कह सकते हैं अपनी भाषा में, वो भंडारे का यहाँ कार्यक्रम है, हनुमान जयंती पर हनुमान जन्मोत्सव कह सकते हैं, और लोटस जो परिवार है उसके द्वारा यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है, उसी के अंतर्गत इस वर्ष किया गया है। आसपास के लोगों को उनकी इच्छा ये रहती है कि कोई खाली नहीं जाए, सब प्रसाद लेकर के जाएं, और बहुत अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स यहाँ प्रसाद में। एक बात और थी, आज जो शोभा यात्रा निकली थी उन लोगों को भी निवेदन किया गया था कि वो जो भी आएँ यहाँ से प्रसाद लेकर के जाएँ, माई की अनाउंसमेंट हुआ तो काफ़ी लोग यहाँ से प्रसाद लेकर गए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,000 का टारगेट रखा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे 7,000 से 8,000 लोग यहाँ पे भोजन ग्रहण करने आ गए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग आए हुए हैं, और जिस हिसाब से लोग आए हैं उस हिसाब से लोग भी यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ लेडीज़ वेडीज़ बच्चे वच्चे सब आए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं खाने का प्रसाद का। हनुमान उत्सव इतना देश के लिए उत्सव, पूरे देश के लिए उत्सव है ये, कोई एक पूरे विश्व में जो एकमात्र संकट मोचन हनुमान है वो मात्र हनुमान जी है। आपकी कोई भी दुख दर्द है, आप जैसे जिंदगी में परेशान हैं और आपकी परेशानी में आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसका उपाय क्या है, इस उपाय के लिए हनुमान चालीसा एक बहुत बड़ा संकट मोचन मंत्र है। उसको अपनाने से क्या होता है, अपने एक तो दिल में सुकून होता है, और वो सुकून इस टाइप का होता है कि आप उसको अगर दिन में सुबह और शाम कर लोगे तो आपका जो मनोविज्ञान है आपका मस्तिष्क का, आपको ये मालूम हो जाएगा मेरे में इतनी शक्ति आ चुकी है कि मैं कभी भी इस जिंदगी में परास्त नहीं हो सकता। तो मेरे को बहुत ही, इसलिए मैं सभी युवाओं से प्रेरणा देता हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार हनुमान चालीसा का पास है ना पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए लगा, ये बहुत अच्छी बात बोली। पाठ्यक्रम में लगाने से क्या बच्चों के, बच्चों में ये इसमें कोई सांप्रदायिक बात नहीं है,
एक व्यक्ति में ताकत कैसी आए, एक बच्चे में ताकत कैसी आए, बच्चे को मनोबल कैसे बढ़े। बच्चों को ये मालूम है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर नहीं है। एक हनुमान जी इतना बड़ा पहाड़ लेके आ सकता है, तो आप एक किताब नहीं पढ़ सकते। उस किताब में पढ़ने से उसको जैसे उसकी संजीवनी आएगी ना, उसको संजीवनी आ जाएगी बच्चे को। बच्चे को पौष्टिक आहार लेने की जरूरत नहीं है, डेली अगर ये ले लेगा तो धार्मिक चीज़ें से जुड़े धार्मिक। ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली जो आप पाठ्यक्रम में स्टार्ट करते हो। पाठ्यक्रम में शुरू करने से क्या होगा कि बच्चों में एक तो धार्मिक प्रवृत्ति आ जाएगी। एक हनुमान जी के बारे में जो परिचय होता है, अभी भी बच्चे बता रहे अभी जैसे गार्जियन भी बता रहे हैं। अब अध्यापक लोग तो बता नहीं सकते, जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकार इसको पाठ्यक्रम में डाल देगी ना, तो बच्चों को ऑटोमेटिक हनुमान जी के प्रति प्रेरणा और आ जाएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छी बात बोली। मैं वो काफ़ी लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ, ये बात मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोली। जय बजरंगबली, जय श्री, जय संकट मोचन हनुमान, जय पुंदरा सर बाबा, जय जय श्री राम, जय श्री राम।